आज थे नवमी के रात और नवमी के रात पे हम दोनों चढ़े हैं भैनगाड़ी पे। मतलब ये कहाँ गए हैं जाओ भी गाइस, भैनगाड़ी पे चढ़े हैं। और गाइस सिर्फ भैनगाड़ी पे नहीं चढ़े हैं, यहाँ पे तो राया जी खूब रोमांटिक बने, इतना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बोलने पे भी शर्म आ जाते है। ये जो करते हैं मेरी जिंदगी तो गाइस मेरे बर्बाद कर देते पूरा ये हर सिचुएशन पे। सो गाइस यहाँ पे क्यों पहुंचे, कहाँ जा रहे सब कुछ बताएंगे, लेकिन चलो नवमी के सुबह हमने क्या क्या किया है सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज तो है गाइस नवमी के दिन, और नवमी के दिन पे गाइस हम पहुंच गए थे मम्मी पापा के पास। तो गाइस देखो ये मेरी मम्मी आप लोगों को हाय बोल रही है। और गाइस चलो मंडप की ओर चलते हैं। तो गाइस देखो मंडप कुछ इस तरह से बनाया है, वायलेट कलर में है और झाड़ दिया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये है दुर्गा माँ, ठीक है। तो गाइस आज तो है नवमी, नवमी पे देखो खाना पीना चल रहा है मंडप के अंदर, और मेरी राय जी तो लाइन दे के खड़े हैं को खाना खाना है। इतना खाते तो हो पर जाते किधर है इनका गाइस पता नहीं है, इनका जाते किधर है। पर मेरा तो गाइस अटक जाते हैं, इतना अटकते हैं कि निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इनका खाना पीना होता है और अच्छे से निकल जाते हैं। चलो छोड़ो ये बात को, जाने दो। ये देखो मम्मी पापा राय जी और मैं तो बैक कैमरे में हूँ। सो गाइस यहाँ पे तो हम खाना पीना खाएंगे, तो देखते हैं चलो आज का मंडप का जो प्रसाद है, मंडप का जो खाना पीना है क्या क्या है सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे और साथ मिलके सब जम के खाएंगे, ठीक है। गाइस दोपहर का मंडप का जो खाना था बहुत अच्छा था, हम चारों मिलके अच्छे से खाए थे। और अभी देखो गाइस रात को हम निकल पड़े घूमने के लिए, पैंडल घूमेंगे मम्मी पापा के साथ। तो देखो लाइन में लग चुके हैं सारे। तो गाइस चलो आज मम्मी पापा के साथ कहाँ पा घूमते हैं सब कुछ आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। तो पहले ये मंडप दर्शन कर लेते हैं। Thank you.
गाइज अभी तो हम आए हैं एक रेस्टोरेंट पे, यहाँ से जो है आज रात का डिनर करेंगे। तो गाइज मेरे पापा को ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है मटन बिरयानी खाना, तो चलो आज चारों मिलके जो है हम मटन बिरयानी खाएंगे। और गाइज आप लोग भी हमारे साथ यहाँ से नवमी स्पेशल डिनर करो, ठीक है। गाइस बिरयानी तो हम चारों मिलके अच्छे से खाए हैं, पापा तो एकदम खुश हो गए हैं, बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और गाइस ये देखो अभी तो थम्स अप पी रहे हैं, थम्स अप पीने के बाद गाइस पापा घर चले जा रहे हैं। ये देखो रिक्शा खड़े है, तो रिक्शा से पापा घर चले जाएंगे क्योंकि पापा को ना पैदल चलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है भीड़ भाड़ से भी, इसलिए पापा थोड़ा बहुत निकलते हैं, लेकिन आप पापा घर चले जाएंगे। और गाइस मम्मी को घूमने का खूब मन है, इसलिए मम्मी बोल रहे हैं कि मम्मी को थोड़ा सा और घूमना है। तो गाइस चलो मैं और राय जी मिलके मम्मी को थोड़ा और घुमा के लाती हूँ। गाइज मम्मी को सबसे पहले लेके आए हैं श्रीभूमि पे, यहाँ पे गाइज इस बार डिज्नीलैंड बनाए हैं, तो चलो अंदर चल के देखते हैं डिज्नीलैंड कैसा है, ठीक है।
उसके बाद गाइस मम्मी को लेके आए हैं संतोष मित्र स्क्वायर पे, जो कि यहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है। तो मम्मी को खूब मन था राम मंदिर देखने का, तो गाइस हम मम्मी को यहाँ पे लेके आए। तो चलो देखते राम मंदिर कैसे बनाए हैं। अभी तो गाइज राया जी और मम्मी मिलके जिद किए कि कोल्लानी जाएंगे, जाके चार धाम और चाइनीज कसिनो वाला एक पैंडल बनाया गया है उसको देखेंगे। तो गाइज हम तो जा रहे हैं, उससे पहले हमने देखा ये पैंडल, देखो कितना खूबसूरत है ना, एकदम सिंपल सा है, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा है। और गाइज एक दुर्गा माँ भी बहुत सुंदर है देखने को। गाइज यहाँ पे ना थोड़ा बहुत डांस भी चल रहा है, तो चलो चल के हम थोड़ा सा डांस भी देख लेते फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं कोल्लानी पे। तो कोल्लानी पहुंचने के बाद मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं एकदम खिल गई हूँ, मुझे कितना मज़ा आ रहा है क्या बताऊँ आप लोगों को। पहले तो मैं जब ट्रेन से जा रही थी एकदम मतलब मैं थक गई थी, मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया था, पैर दुख रहा था। गाइज क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना भीड़ भाड़ था ट्रेन में, मैं कितना मतलब मम्मी के ऊपर गुस्सा किए, राय जी के ऊपर गुस्सा किए कि कहाँ पे लेके जा रही हूँ इतना भीड़ भाड़ में, ऐसा बोला। लेकिन उसके बाद गाइज सब कुछ ठीक हो गया, बस ये मैं जब ये वैन गाड़ी पे चढ़ी हूँ तब से मैं, मुझे कितना मज़ा आ रहा था वैन गाड़ी पे क्या बताऊँ आप लोगों को। बचपन में मैं चढ़ी थी जब मैं गांव गई थी, हमारे जो मतलब अंकल के घर है गांव में एक, तो वहाँ पे जब जाती थी तो ऐसे वैन गाड़ी चढ़ के जाती थी। लेकिन आज काफ़ी सालों बाद मैं वैन गाड़ी पे उठी हूँ। और गाइज यहाँ पे तो राया जी एकदम मज़े में है, एकदम रोमांटिक मूड में ये बन गए हैं क्या बताओ आप लोगों को। यहाँ पे मुझे इतना हंसी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहे थे राय जी के ऊपर। चलो छोड़ो ये सब तो चलता ही रहता है। अभी तो गाइज हमारे वैन गाड़ी तो छोड़ दिए हैं, ये देखो जा रहे हैं चाइनीज कैसिनो का पैंडल दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखो अभी तो राय जी क्या क्या मुँह बना रहे है मुझे बस हंसाने के लिए। तो गाइज गाड़ी ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था, इससे हम दोनों को खूब मस्ती आए, एकदम मज़े में थे दोनों, बहुत हंसी आए। तो चलो गाइस पैंडल दर्शन कर लेते हैं सबसे पहले। Thank you.
कैंडल तो देख लिए गाइस, बहुत अच्छा था। और इस टाइम ना हम तीनों के ही तबीयत खराब होने लगे, इतना प्यार दुख रहा है और क्या बताओ, ट्रेन में भी भीड़ था तो तबीयत एकदम खराब हो गए है पूरा। ये जो पैंडल देखा है ना, काफ़ी भीड़ था। और गाइस सुबह भी होने को है तो हम तो चार धाम नहीं गए है, तो सीधा घर वापस जा रहे हैं। तो गाइस चलो आज का ब्लॉग जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक गाइस आप सब लोग अच्छे से रहो, सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा।